हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल टेक्निकल एम के डियर में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कितनी फीस देनी पड़ती है। फ्रेंड, इस वीडियो में हम MCWG, LMV और HMV ड्राइविंग लाइसेंस में जितनी फीस लगती है उसका सारा डिटेल में बताऊंगा, और जो ड्राइविंग लाइसेंस में लर्निंग लाइसेंस का कितना फीस लगता है, और जो आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनता है उसका कितना फीस को पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बताऊंगा कि किस ड्राइविंग लाइसेंस पे कितनी फीस आपको देनी पड़ेगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं कि लर्निंग लाइसेंस बनवाने में आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी, उसके बाद बात करेंगे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं लर्निंग लाइसेंस के बारे में। तो फ्रेंड, MCWG में मोटरसाइकिल विथ गियर, अगर आप मोटरसाइकिल के लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको देने पड़ेंगे 200 रुपये। उसमें आपका जो फीस होगा वो 150 रुपये रहेगा, और 50 रुपये आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसके लिए लिया जाएगा। कुल मिला के आपको 200 रुपये वहाँ पे करने होंगे। उसके बाद बात करते हैं LMV लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। उसके लिए भी फ्रेंड आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे, 150 रुपये आपको फीस और 50 रुपये ऑनलाइन टेस्ट के। उसके बाद बात करते हैं HMV लर्निंग लाइसेंस के लिए। उसके लिए भी आपको 200 रुपये पे करने पड़ेंगे, 150 रुपये आपका फीस होगा और 50 रुपये आपका ऑनलाइन टेस्ट के लिए। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप MCWG और LMV ड्राइविंग लाइसेंस 2-व्हीलर और 4-व्हीलर दोनों का एक ही बार बनवाते हैं तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो फ्रेंड, उसके लिए आपको 300 रुपये फीस होगी और 50 रुपये आपका ऑनलाइन टेस्ट लगेगा। कुल मिला के आपको 350 रुपये आपको देने होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं जितने भी रुपए बता रहा हूँ वो ऑफिशियली है, जो परिवहन की वेबसाइट पे दिया गया है वो मैं बता रहा हूँ। अगर आप अदर थर्ड पार्टी से करते हैं तो इससे भी ज्यादा लग सकता है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड की लर्निंग लाइसेंस बनवाने के बाद जब आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे तब आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, बात करते हैं MCWG ड्राइविंग लाइसेंस को परमानेंट करने में आपको देने पड़ेंगे 700 रुपये। 700 रुपये में आपको उसमें सर्विस चार्ज और DL का जो DL आपको मिलता है उसका भी चार्ज लेते हैं, और 300 रुपये उसमें फीस लेते हैं। तो फ्रेंड, कुल मिला के आपको 700 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड LMV ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। LMV ड्राइविंग लाइसेंस में भी आपको 700 रुपये देने पड़ेंगे। 700 रुपये में वो 3 कैटेगरी में रहेगा, उनका सर्विस चार्ज और DL मेकिंग और DL का कार्ड होता है उसका भी वो लोग 200 रुपये लेते हैं। कुल मिला के आपको 700 रुपये LMV ड्राइविंग लाइसेंस में भी देना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं HMV ड्राइविंग लाइसेंस में आपको कितना देना पड़ेगा। HMV ड्राइविंग लाइसेंस में फ्रेंड आपको 500 रुपये जो DL मेकिंग चार्ज होता है वो होता है, और 300 रुपये सर्विस चार्ज होता है, और 200 रुपये वो कार्ड का लेते हैं। तो कुल मिला के आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप HMV ड्राइविंग लाइसेंस परमानेंट बनवाते हैं तो। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड की MCWG प्लस LMV ड्राइविंग लाइसेंस 2-व्हीलर या 4-व्हीलर दोनों को एक ही बार बनवाते हैं तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे। उसमें भी उनका फीस रहता है, सर्विस चार्ज रहता है, और DL मेकिंग रहता है, सब कुछ उसी में रहता है 1000 में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं बता दिया हूँ कि कौन सी ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने के लिए आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड, इसके अलावा अगर आप किसी दलाल या किसी और के चक्कर में पड़ते हैं तो काफी आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। तो फ्रेंड, बाद में आप ये मत कहिएगा कि और ज्यादा पैसे लगते हैं, ये ऑफिशियल जितना वहां पे दिखाया जा रहा है। तो फ्रेंड, जो ऑफिशियल है वो इतने ही रुपए लगते हैं, आप कितना हूं भी दें, आप किसी और को देंगे वो सब अपने पास रख लेंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपने जाना कि किस ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने में कितने रुपए देने पड़ते हैं। तो फ्रेंड, ये रही छोटी सी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।